तो ये ट्रेलर शुरू होता है विद्या बालन से, जो एक जर्नलिस्ट है, या फिर कह सकते हैं एक ईमानदार जर्नलिस्ट, और वो समाज के सामने सच लाती है, चाहे वो कोई भी उद्योगपति हो या फिर कोई भी नेता। जब बात सच की आती है ना, तो वो किसी को नहीं छोड़ती। मुझे ये नहीं मालूम था कि आप बेफजूल के सवाल पूछेंगे। We're alive, sir. पर एक रात 3 बजे एक लड़की अपने फ्रेंड के साथ घूम रही थी इन एक्साइटमेंट कि तभी एक गाड़ी आई और हो गया उसका एक्सीडेंट। और ये खबर फैल जाती है। इसी मीन टाइम में विद्या बालन के पास काम करने आई एक इंटर्न, जो कहती है, आई वॉन्ट टू बी इन दिस केस क्योंकि मुझे करना है उस खूनी को ट्रेस। तो अब इंटर्न लग जाती है काम पे और पहुंचने वाली होती है मौकाम पे कि उसे पता चलता है कि एक्सीडेंट के बाद जब लड़की घर नहीं पहुंची तो उसके घर वाले गए थे FIR करवाने फाइल, मगर नहीं ली पुलिस ने ये केस क्योंकि ये केस है हाई प्रोफाइल। और पुलिस विक्टिम की मदद करने की जगह विक्टिम ब्लेमिंग कर रही है। CCTV फुटेज में कुछ दिख गया है सर। नो कमेंट्स। तो अब ये बात इंटर्न जाके बताती है विद्या बालन को, क्योंकि वो हमेशा देती है सच का साथ। तो जब विद्या करती है तहकीकात तो पता चलता है कि गाड़ी चला रहा था विद्या बालन का बॉस उस रात। क्या छुपा रहे हो मुझसे? तो हो गया व्हाट द फक, और इंटर्न को हो रहा है विद्या पे शक क्योंकि खराब चल रहा है ना उनका लक। स्टॉप वर्किंग ऑन द स्टोरी राइट नाउ। मीनवाइल उस रात जिस लड़की का एक्सीडेंट हुआ था वो विद्या बालन के घर पे काम करने वाली की बेटी थी। तो अब ये कहानी एक माँ की एक जर्नलिस्ट से लड़ाई की है, तो अब होगा असली जलसा। तो जलसा मूवी की बात करें तो इसमें विद्या बालन और शेफाली शाह दो गजब के परफॉर्मर्स काम कर रहे हैं। और ये एक वेब सीरीज नहीं है, ये एक Amazon Prime Video की ओरिजिनल फिल्म है जिसमें दोनों पहली बार स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। विद्या बालन निभा रही है एक जर्नलिस्ट का रोल और शेफाली शाह है एक रेजिंग मदर जिनकी बेटी जख्मी हो गई है। तो जलसा बेसिकली एक जॉइंट प्रोडक्शन मूवी है जिसमें भूषण कुमार, कृष्ण कुमार ऑफ टी सीरीज एंड विक्रम मल्होत्रा एंड शिखा शर्मा फ्रॉम एबेंडेंटिया एंटरटेनमेंट हैं। भूषण कुमार जी ने कुछ टाइम पहले एक स्टेटमेंट में कहा था, जलसा इज वन ऑफ द मोस्ट ग्रिपिंग एंड एंटरटेनिंग फिल्म्स दैट वी हैव बीन अ पार्ट ऑफ टी सीरीज एंड आई एम थ्रिल्ड दैट इट इज विद वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड पार्टनर्स एबेंडेंटिया एंटरटेनमेंट, क्योंकि इन दोनों प्रोडक्शन हाउसेस ने पहले भी साथ में काफी कोलैबोरेशन किए हैं, जैसे कि एयरलिफ्ट, शेरनी, छुरी जैसी मूवीज जिसने OTT पे काफी इम्पैक्ट छोड़ा है। अब जलसा क्या इम्पैक्ट छोड़ेगी ये तो 18 मार्च को Amazon Prime Video पे देख के ही पता चलेगा, पर ट्रेलर ने जो इम्पैक्ट क्रिएट किया है उसमें नो डाउट सभी ने काफी अच्छा काम किया है। और तो और जलसा मूवी को डायरेक्ट किया है सुरेश त्रिवेणी ने, जिन्होंने लूप लपेटा और मर्द को दर्द नहीं होता जैसी मूवीज में काम किया है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग होगा देखने के लिए कि ये मूवी कैसा परफॉर्म करेगी, पर ये बात हमें पता चलेगी 18 मार्च को जब जलसा रिलीज होगी Amazon Prime Video पे। तो राजीव, अगर तू ऐसे धर्म संकट में फंस जाए और मैं कल्प्रिट हूं तो तू क्या करेगा, मुझे बचाएगा या मुझे जेल जाने देगा? जेल। क्या पासवर्ड चेंज कर दी? तो पासवर्ड हुआ चेंज और ये दोनों आ गए रास्ते पे, पर टीम के साथ की वजह से दोबारा काम करने लगे और वीडियोस पे वीडियोस आने लगी। अबे अब तो इस चैनल पे भी बारिश होने लगी। YBP हर कंटेंट पे डिलीट करे, झूठों से नफरत तभी सच स्प्रेड करे, पानी पी बैठ बेटा YouTube खोल सर्च कर कंटेंट मेरा जैसे माल हिट करे।